नेशनल हेराल्ड केस मामले में सोनिया गांधी को नया समन जारी हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष को नोटिस जारी करके 21 जुलाई को पेश होने को कहा है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस केस में सोनिया गांधी से पहले बेटे राहुल गांधी से भी ईडी ने 5 दिन में करीब 50 घंटे से ज्यादा पूछताछ की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ का कांग्रेसियों ने जमकर विरोध किया था और उन्होंने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी और प्रदर्शन किए थे। आपको बता दें कि 18 जुलाई से संसद सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में सोनिया गांधी को भेजे गए समन की गूंज संसद में भी सुनाई दे सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि ईडी के कांग्रेस अध्यक्ष को पूछताछ के लिए बुलाने पर एक बार फिर राजनीतिक बवाल खड़ा हो सकता है। इससे पहले भी सोनिया गांधी को पूछताछ का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उस समय उनकी तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने ईडी से 4 हफ्ते का समय मांगा था। 4 सप्ताह की अवधि 21 जुलाई को समाप्त हो रही थी, लिहाजा ईडी ने उन्हें 21 जुलाई को पेश होने का नोटिस जारी किया है। दरअसल परिवर्तन निदेशालय जानना चाहता है कि नेशनल हेराल्ड मामले में कहां गड़बड़ियां हुई और उनके लिए कौन कौन जिम्मेदार है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड को यंग इंडिया नाम की जिस कंपनी ने टेक ओवर किया है उसमें 38% शेयर सोनिया गांधी के पास और 38% शेयर राहुल गांधी के पास है। सोनिया गांधी को जून में भी समन जारी करके पेशी के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्हें कोरोना हो गया था और वो अस्पताल में भी भर्ती रही। 75 साल की हो चुकी सोनिया गांधी को 12 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद 20 जून को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। उधर इस मामले में ईडी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से पिछले महीने कई घंटों तक पूछताछ की थी। सूत्रों की माने तो जो जानकारी राहुल गांधी से पूछताछ के दौरान सामने आई है, ईडी अधिकारी उसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी पूछताछ कर सकते हैं।